बहुत अच्छा जगह है ना। यहाँ पे भी चलेंगे, पर सबसे पहले गंगा माँ के दर्शन कर लेते हैं और गंगोत्री भी देख लेते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा जगह है जिसे देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि ये वो धरती है जहाँ पे महाभारत और भागवत लिखा गया है। ये वो धरती है जहाँ से हमारी पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई है। ये वो धरती है जहाँ पे भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थल स्थित हैं, जिनकी यात्रा करने से मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन धार्मिक स्थलों के नाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें छोटा चारधाम कहा जाता है। तो इस बार हम यात्रा करेंगे छोटे चारधामों की, जिसमें हम यात्रा शुरू करेंगे देहरादून से। फिर सबसे पहले हम चलेंगे यमुनोत्री, फिर उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री, गंगोत्री से फिर उत्तरकाशी होते हुए केदारनाथ, और अंतिम में बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम यात्रा समाप्त करेंगे ऋषिकेश में। इस यात्रा को लगभग 10 दिनों में पूरा करेंगे, और जैसे हमें पता है कि उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में कठिनाइयां जरूर आती हैं, पर कठिनाइयों का सामना करने से ही जीवन सुधरता है। तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं भारत की पवित्र छोटी चार धाम यात्रा। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, राम राम। अभी हम निकल चुके हैं गंगोत्री के लिए। वैसे हम 9 बजे ही निकल गए थे, अभी कुछ 10 बज रहे हैं। और ये जो जगह है ये उत्तरकाशी से ठीक बाहर है, मतलब आउटस्कर्ट है उत्तरकाशी का। यहाँ पे आपको चेक करवाना होता है जो भी आपने रजिस्टर किया है यात्रा के लिए। तो यहाँ से कुछ 3 घंटे लगते हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री। आप आगे जाके देखते हैं कहाँ पर रुकेंगे, क्या करेंगे। चार धाम में यमुनोत्री के बाद गंगोत्री में दर्शन करते हैं, और हमारी यमुनोत्री से गंगोत्री यात्रा में हमने उत्तरकाशी में विश्राम करने का निर्णय लिया था। उत्तरकाशी से गंगोत्री कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप इसे टैक्सी या फिर अपने कार से कवर करते हैं तो करीब 3 घंटे लगते हैं। जैसे जैसे हम गंगोत्री के करीब आ रहे थे, मेरा उत्साह और बढ़ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मैं गंगोत्री आ चुका हूँ, और गंगोत्री ही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे हिमालय से पहली नज़र में प्यार हो गया था। वैसे हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गंगोत्री, और निकाल लेते हैं सामान पहले। अब कितना दूर चलना है यहाँ से? 500 मीटर। हाँ तो भाई, गंगोत्री में ना ये जो टैक्सी स्टैंड है, यहीं तक टैक्सी या फिर बस यहीं पे आपको उतार के जाएगी, और यहीं से आपको पैदल चलना होगा, या फिर व्हील चेयर वाले को आप अपना सामान पकड़ा सकते हैं आगे पहुँच सकते। अभी हमारा GMM पे बुकिंग है, जो कि यहाँ से 500 मीटर है, पर 500 मीटर तो हम चलते जा सकते हैं, पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर आप अपना ट्रॉली लेकर आते तो आप आराम से ले सकते हैं, पर आपको अगर व्हील चेयर में भी लेना हो तो व्हील चेयर में भी ले सकते हैं, लेकिन उसका अलग चार्जेस रहता है। अभी पहाड़ों में आए हो तो थोड़ा बहुत चढ़ना उतरना वो सब चलता ही रहता है। हर जगह के अलग अलग चैलेंजेस हैं, जैसे रोहित भाई ने बताया। सही बात। तो यहाँ के चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं, आपको सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे स्लाइड करते हुए आना पड़ता है, अब ये ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा। चलो ये भी देखो, हर हर महादेव। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं GMVN गेस्ट हाउस। 500 मीटर का ट्रैक था। 500 मीटर लगा तुम्हें रोहित? ये 500 मीटर तुम्हें कितना किलोमीटर लगा? 5 किलोमीटर विद लगेज। आपको पता नहीं, बट एनर्जी लॉस लग रहा है। यहाँ पे अपने कमरे में जाने के लिए भी एक एडवेंचर करना पड़ता है सामान उठाकर। और बल्लू सही कमरा है वैसे, ये देख रहा हूँ। जितना ऊपर जाओगे ना उतना कमरा छोटा होता जाएगा, क्योंकि ठंड में आपको छोटे कमरे चाहिए होते हैं। जय श्री राम। चलो यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए जगह है,
वॉशरूम भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब भूत बहुत लगी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देख भूत बहुत लगी है, मुझे भूत बहुत लगी है, बात बोलने वाला था मैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम। कैसा था यात्रा? पार्किंग से यहाँ तक भाई ठीक है, 500 मीटर भाई। फिर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं पहले यहाँ पे आ चुका था, 2015 में आया था। आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ वहाँ के, अभी 2015 के ना। बहुत यहाँ पे पहले नेटवर्क नहीं आता था, मैं पहले यूज़ करता था वोडाफोन, उस टाइम यहाँ पे बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आता था। उस टाइम का यात्रा भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने उस टाइम अपने दोस्त के साथ फ्री में ट्रैवल किया था। जी हाँ, मैंने सही में फ्री ट्रैवल किया था। देहरादून से लिफ्ट मांगते मांगते गंगोत्री पहुँच गया और पैसे वहीं पे निकाले जहाँ पे बहुत ज़रूरी था, जैसे कि ट्रक का परमिट। मैंने तब गाँव का ट्रक किया था जो गंगोत्री से 18 किलोमीटर है। इसी ट्रक में हिमालय के बर्फीले पहाड़ देखकर पगला गया था। तब गंगोत्री में करीब एक हफ्ते रुका था, वो भी फ्री में। ये मेरा पहला ट्रिप था जिसे मैं सही मायने में कह सकता था कि मैंने ट्रैवल किया है, क्योंकि इस ट्रिप में मैंने बहुत कुछ सीखा और जाना, खुद के बारे में, जिन लोगों से मिला उनके बारे में, आध्यात्म के बारे में। तभी तो गंगोत्री ने मुझे वापस बुला लिया। चलिए अभी 2023 का गंगोत्री देखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका गंगोत्री धाम में। ये उत्तराखंड के दिव्य पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है जहाँ गंगा माँ का उद्गम होता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से लिप्त ये पहाड़ियाँ श्रद्धालुओं को अपने आत्मा को पवित्र करने का अवसर प्रदान करते हैं। गंगा माँ का मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। अपने विशेष वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए ये लोगों में प्रसिद्ध है। गंगोत्री न केवल एक आध्यात्मिक स्थल है बल्कि एक साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। चलिए अब समय हो चुका है गंगा आरती देखने का। गंगा आरती की तैयारियां पूरे उत्साह और आदर्श भावना के साथ की जाती है। पुजारी आरती की शुरुआत करते हैं और भक्तों के आवाज़ में हर हर गंगे जाप के साथ मिलकर एक अद्वितीय भावना बढ़ाते हैं। गंगा आरती में भक्तों के श्रद्धा और भक्ति का संगम होता है, जिसमें भक्त अपने हृदय की गहराइयों से माँ गंगा के प्रति अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। हर हर गंगे, अभी हमारा
गंगा आरती भी हो गया गंगोत्री में, जो कि मैंने पहली बार देखा गंगोत्री में। मैंने एक्चुअली दो ही बार देखा है, एक मैंने बनारस में देखा है और वो भी बचपन में देखा है, तब मैं स्टैंडर्ड 8th में पढ़ता था शायद, 8th या 9th में, याद नहीं है, बहुत पहले की बात है। बट अभी ये दूसरी बार था गंगोत्री, और ये गंगोत्री में मैं पहली बार आया था, लेकिन गंगोत्री में मैं देखता नहीं था आरती, क्योंकि मैं ऊपर रहता था गंगोत्री से 2 किलोमीटर ऊपर, और तब क्या होता था कि मैं शाम होने से पहले निकल जाता था, तो मैंने आरती कभी आज तक देखा नहीं था गंगोत्री में, ये मेरा पहली बार था। दोस्तों आज हमने गंगा आरती तो देख लिया, लेकिन हमारा दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि हमारे साथी लोग जो थे उन्होंने स्नान नहीं किया था, क्योंकि उन्हें सीधा गंगा में डुबकी लगाना था, लेकिन आज मौसम बहुत ही ख़राब था इसलिए उन्होंने स्नान नहीं किया, तो इसलिए हमने दर्शन भी नहीं किया। तो दर्शन हमारा कल सुबह होगा, तो हम आपको मिलते हैं कल सुबह सीधे मंदिर पे। हर हर गंगे मित्रों सुप्रभात, अभी हम लाइन में लगे हुए हैं गंगा माँ के दर्शन के लिए, और आज वैसे पवित्र रथ यात्रा भी है, तो आप सभी को जय जगन्नाथ और हर हर गंगे। बस मूर्ति को ना अपने दिमाग में वो छवि बना के रखना है। पर एक बार बोलूँ, ये सोने की मूर्ति है, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, लेकिन अगर फिर भी मैं बोलूँ जो जगन्नाथ में है माता लक्ष्मी की, वो तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मतलब आपको लगेगा कि साक्षात लक्ष्मी जी ही बैठी हैं। इतनी ब्यूटीफुल है वो मूर्ति, आपकी आँखों से हटेगी, और इतनी ब्यूटीफुल है कि आप कंपैरिजन भी कर लोगे नहीं यार, उनका कोई टक्कर नहीं। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति, सच में उन्होंने जो कहा ना वो सच है कि बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। हमारा यहाँ पे जो दर्शन था बहुत जल्दी हो गया, हमने सोचा भी नहीं था, हम सोच रहे थे कि सुबह 5 बजे उठकर आएंगे, 7 बजे तक लाइन पे लग जाएंगे, पता नहीं कब दर्शन होगा, लेकिन 15-20 मिनट, मुश्किल से 15-20 मिनट हम लाइन पे खड़े थे और हमारा दर्शन भी हो गया। दर्शन करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि नाश्ता कहाँ पे किया जाए, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये रेस्टोरेंट, जहाँ पे मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन नाश्ता दोनों ही काफी टेस्टी था। इतना अच्छा नाश्ते के बाद ना उस एनर्जी को कहीं ना कहीं पे लगाना होता है, तो हम लोग आ गए हैं, अभी ट्रैक कर रहे हैं पांडव गुफा के लिए, जो कि गंगोत्री से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले तो सूर्य कुंड आएगा, उसके बाद गौरी कुंड, और आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा पांडव गुफा, तो वही हम जा रहे हैं अभी। तो इस तरह का कुछ रास्ता है, अभी बस हमने शुरू किया है, आगे देखते हैं जाके कैसा रास्ता है। अगर आप कभी भी किसी भी प्रकार की दुविधा में आ जाते हैं कि पांडव गुफा किस तरफ है, एक बार आपने ट्रेल पकड़ लिया ना, तो आप ये सारे मार्किंग्स फॉलो करें, ये तीर है ठीक है, और आगे आपको और भी दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं उस पत्थर पर लिखा है पांडव गुफा, तो ये सारे मार्किंग्स फॉलो करके ना आप पहुंच सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है और किसी भी ज़रूरत नहीं है आप। तो एक बार आप ट्रेल पे आ गए तो ये निशान है ना वो फॉलो कीजिए, निशान फॉलो करते करते आप आराम से पहुंच जाएंगे। ये देखो कुछ लोग दिख भी गए। ये बाबा 15 साल से पांडव गुफा में रह रहे हैं और साल के 12 महीने यहीं पे रुकते हैं। आइए सुनते हैं ये पांडवों के बारे में क्या कहते हैं। समय पांडवों ने अपने राज को त्याग दिया था, राज करते समय उनको भगवान श्री कृष्ण का वैराग हुआ जी। उस वैराग्य में उन्होंने अपने राज को त्याग दिया, परीक्षित को राजा बनाया बाद में जी। परीक्षित को राजा बना के फिर वो हिमालय में आए थे अपना शरीर त्याग के लिए,
पहले वो यमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री आए, फिर केदारनाथ गए, फिर बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ के बाद उन्होंने अपना शरीर को त्याग किया। तो वो समय पहले वो यमुनोत्री गए, गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा। केदारनाथ में जब उन्होंने नंदी के रूप में दर्शन किया, नंदी के दर्शन किए, तो पांडवों को ऐसा लगा उस समय कि नंदी ही भोलेनाथ हैं। तब वो पांडव नंदी के पास जाने की इच्छा की, भोलेनाथ के पास निकट दौड़े उनके पास में। वो समय भोलेनाथ पाताल में घुस गए, जमीन में प्रवेश कर गए, और कहाँ निकले? काठमांडू पशुपतिनाथ। पीठ यहाँ पर पांडवों के हाथ में लगी भोलेनाथ की, अगला हिस्सा काठमांडू में निकल गया, यहाँ पिछला हिस्सा केदारनाथ में रह गया। वो पीठ पांडवों के हाथ में लगी, नंदी की पीठ पीछे से। तब यहाँ पर पीठ की पूजा होती है, लिंग की पूजा तो नहीं है। हाँ। केदारनाथ में पीठ की पूजा है। हाँ। अभी भगवान राम जी की इच्छा से हम यहाँ रहते हैं, हमको भी यहाँ पर 15 साल हो गए, हम यही 12 महीने रहते हैं। शीतकाल में जब बर्फ गिरता है, वो समय हम इधर ही रहते हैं। पारा टेम्परेचर में माइनस में जाता है, -20-25 में जाता है माइनस में, तो हम यहीं पे रहते हैं वो समय। पर ये सब गंगा जी भी बहुत कम हो जाएंगी, बहुत धीरे धीरे नीचे नीचे धारा चलेंगी, ऊपर सब बर्फ जमा होगा। तो ये कहानी बच्चा यहाँ पर। दोस्तों अभी हमें बाबा जी ने ये हिमालयन चेरी दिया प्रसाद के रूप में, और कहा कि राजी रहो, जय श्री राम सीता राम। तो इसको ना टेस्ट करके मैं बताता हूँ कैसा लगता है। ज़्यादा मीठा नहीं है, खट्टा भी नहीं है, अच्छा है जो भी है। जय श्री राम। कैसे? अब आंटी बोल रहे हैं कि ये सारे ना 4 बैग उठाएंगे एक साथ, पता नहीं ये कैसे। ठीक है, कौन ये? ये भारी है। हाँ ये पनी भारी है। हाँ आप ये ले हल्का। ठीक है, मैं ये लेऊंगा। ठीक है। आप नेपाल से हो क्या? नेपाल से किया। आपकी बात से लग रहा था, और नेपाली होते भी है इतना पावरफुल। ये ले जाते हैं भाई, मेरे को तो भरोसा है ये ही ले जाएंगे आराम से। मैंने ना इनके जितना स्ट्रॉन्ग मैंने कभी किसी को देखा नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग महिला है। आपको भगवान खुश रखे। ओके, तभी हमारा गंगोत्री का यात्रा भी बहुत सफल रहा, बहुत ही अच्छा यात्रा था। और जो नया किया हमने वो है पांडव गुफा, जो पहली बार आया था तब छूट गया था। चलिए बस अभी गंगोत्री से विदा लेते हैं। यात्रा आप लोगों का कैसा था बताओ? हमारी गंगोत्री यात्रा बहुत ही ब्यूटीफुल रही, और मैजिकल थी, और बहुत मैजिकल थी। और हमने साक्षात देख लिया कि ये एकदम चार धाम जो है ना, मतलब आपको ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आपको रास्ते में मिलते जाएंगे ना, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता जाएगा कि कुछ तो मैजिकल है। हम चार धाम करते नहीं हैं, हमें बुलाया जाता है। हाँ, महादेव ने बुलाया। तो हाँ, इन्होंने जैसे कहा कि ना, आप जैसे जैसे चलते जाते हो ना ऊपर ऊपर धामों की यात्रा में, वैसे वैसे आपका विश्वास भगवान में बढ़ते जाता है, ये सच बात है। मैं तो अच्छे से मानता हूँ जैसे, और यहाँ के ना लोगों से भी आप मिलोगे ना, उसमें भी एक बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है, उसमें भी आपको भगवान पर इतना भरोसा होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी हमारे गंगोत्री धाम की यात्रा का तो इतना ही है, फिर अभी आपको मिलते हैं उत्तरकाशी में, फिर कल निकलेंगे हम गौरीकुंड के लिए। तो चलिए,
हम आ चुके हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो है ना वो एक मिडिल पॉइंट है जहाँ पे हम आके बस रेस्ट ले सकें। तो अभी गंगोत्री धाम तो हो गया हमारा बहुत अच्छे से। कल सुबह हमें निकलना है सोनप्रयाग के लिए। वैसे हमारा बुकिंग जो है वो गौरीकुंड में है, लेकिन सोनप्रयाग में ना टैक्सी बहुत सारे टैक्सी का ना भीड़ लगा रहता है, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड का टैक्सी अगर आपको बुक करना है तो उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। तो हमें कल सुबह बहुत ही जल्दी निकलना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा कल आपको सुबह मैं आपको मिलूँगा कल सुबह 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी रहें। अगले एपिसोड में हम यात्रा करेंगे उत्तरकाशी से गौरीकुंड। आपको समझ आ गया होगा कि हमारी यात्रा किस ओर चली है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय भोलेनाथ, जय हिंद।